वालेकुम गाइस, वेलकम हो गया है नदर व्लॉग में आप सबका। तो यार जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बस मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो। तो यार आज मेरा बर्थडे है, मतलब कि आज मेरा जन्मदिन है। तो आज जन्मदिन के दिन ही ऐसी खबर आ गई है न्यूज़ में कि बस दिल ऐसे ऐसे हो रहा है। वो ये खबर है कि उन्होंने कहा है कि 5-6 दिन तूफ़ानी बारिश का इम्कान है और जो लेव पे रहते हैं, मतलब कि लेव के जो घर हैं जिन जिन के लेव के करीब, उनको एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं कि 5-6 दिनों के लिए अपने जो सामान है वो कहीं शिफ्ट कर दें और ख़ुद भी दूर कहीं पीछे चले जाएं मोहल्लों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश हुई है और होने लगी है, अभी भी बारिश हो रही है। तो यार आप सबको बस दुआ करने का मैं कहता हूँ कि भाई अल्लाह ताला रहम करे। तो यार सब मुझे विश करो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और मेरे किसी दोस्त ने मुझे विश नहीं किया, क्योंकि सारे दोस्त ही चवल हैं एक नंबर के, किसी को भी नहीं पता। यार देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, बंदे को दोस्त सही बनाना चाहिए, गलती की है मैंने अपने ऐसे दोस्त बना दिए। तो चलो यार मैं आपको बारिश दिखाता हूँ, अभी धीमे धीमे हो रही है, धीमे धीमे। तो चलो दिखाता हूँ मैं आपको बारिश ये जो अभी हो रही है। यार ये देखो बारिश हो रही है और अभी इस कैमरे में, इस मोबाइल का कैमरा इतना वो अच्छा नहीं है कि आपको सही क्लियर कट नज़र आए, लेकिन काफ़ी बारिश हो रही है, तेज़ हो गई है अब, और बहुत छतों पे भी काफ़ी पानी जमा हो रहा है। ये गली देख सकते हो आप, नालियां भी ऊपर आ रही हैं और ठंडा पानी, बाबा जी ठंडा यख पानी है। हा हा हा, मामा मेरी बोलेंगी मैं नीचे जा रहा हूँ। अब मैं नीचे आ गया हूँ, नीचे सबसे नीचे नहीं गया क्योंकि वहाँ पे अम्मी हैं और उन्होंने मुझे गीला देख लिया। तो बस मेरी ऐसी चित्रोल होनी है मेरी बर्थडे वाले दिन कि बस मैं आपको बता नहीं सकता। तो यार मैं अपने कमरे में आ गया हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा सूख जाऊँगा, मेरे कपड़े शपड़े जब सूखेंगे फिर हम नीचे जाएँगे और फिर हम आपको अपना बूथा दिखाएँगे ताकि उनको बोलने का मौका ना मिले। और यार तुम्हें मैं बताऊँ कि हमारे घर आज मेरी बर्थडे है ना, तो आज बकरियाँ बिरयानियाँ शरियानियाँ और क्या बोलें शनवारी, बाबा जी मेरे 3 साल हो गए हैं, काफ़ी करीब करीब आ रही है बर्थडे उसके ईद के दिन से, काफ़ी करीब करीब आ रही है बड़ी ईद के 3 साल पहले, मेरे 3-4 दिन पहले बाद बल्कि बर्थडे थी, और पिछले साल मेरे 10 दिन से बाद थी, और इस बार काफ़ी 15-16 दिन तो हो गए हैं, ठीक है ना, नहीं 28 दिन हो गए हैं, 28 दिन हो गए हैं मेरी ईद के बाद मेरी बर्थडे आई है। तो अभी मैंने बाबा जी शनवारी बनवा लिया है, आपको मैं दिखाऊंगा कि भाई शनवारी शनवारी जब बन जाएगी आपको मैं दिखाऊंगा कि बाबा जी ऐसे पकाते हैं शनवारी और ऐसे मुँह में पानी दिलाते हैं, ठीक है ना। तो भाई अभी रेडी शेडी होना है, हमने किसी रिश्तेदार वगैरह को नहीं बुलाया, ठीक है, हम बस अपना करेंगे क्योंकि असा बरियाँ छोड़ दो, ठीक है। आगे पता क्या दिमाग में नहीं आ रहा यार, आपको मैं बताऊं कि कल मैंने ना एक हमारे सिरसद रोड है यहाँ पे ना एक हुआ कि काफ़ी बड़ी एक बस थी और 2 बसें थी, एक काफ़ी तेज़ी से इधर से आ रही थी और काफ़ी तेज़ी से ना एक उधर से आ रही थी, तो काफ़ी तेज़ से आ रही थी तो रश भी था, तो वो वाली बस उधर निकल गई और ये वाली बस इधर निकल गई। तो यार जब मैं त्यार श्यार होऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि बाबा जी हमारी लुक क्या लग रही है, और लुक वही लगेगी जो मैंने बड़ी ईद पे सूट पहना था, क्योंकि यार मैंने बड़ी ईद पे सूट नमाज पढ़ के उतार दिया था क्योंकि मुझे पित बहुत लाड़ी थी, वो कॉटन का सूट है ना यार, जर्सी पहनूँ तो ऐसी सुइयाँ चुभती हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो यार बस तुम्हें जब मैं त्यार होऊंगा तो मैं तुम्हें दिखाऊँगा और हम कोई चिकने शिकने बच्चे बन जाते हैं, पप्पू बच्चे बनते हैं और मिलते हैं तुमसे फिर पप्पू बच्चा बन के। नान हो के वेले हो चुके हैं, पप्पू और चिकना बच्चा इकट्ठे बन चुके हैं, और यार तुम्हें मैं बताऊँ ना कि शनवारी और बिरयानी और कस्टर्ड फुल तैयार हो चुका है और केक भी कटने लगा, तुम्हें मैं केक की शक्ल दिखाता हूँ, उसका बूथा दिखाता हूँ तुम्हें मैं। चलो यार, और बाबा जी गिफ्ट शिफ्ट का हैवी वाला मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, कोई आए तो दिल को कुछ हो भी, अपने पास भी कोई चीज़ आई है तो उनको भी दिखाएं, वो गिफ्ट वगैरह भी खोल के मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो अभी तो केक की शक्ल देखते हैं, बूथा देखते हैं उसका, भाई मेरा नाम लिखा होगा इंशाल्लाह।
तो भाई तुम चेक करो, ये लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे, ये क्या है गोहर, और ये है जैन। ओ भाई ये हमने चेक कर लो बाबा जी, चिट्टे कलर का है बिल्कुल मेरी तरह हैवी। ये जो मेरे भाई हैं ना, ये भी जिस दिन मैं पैदा हुआ उसी दिन पैदा हुए हैं, मतलब कि ये मेरे जितने नहीं हैं लेकिन ये मेरे से बड़े हैं, काफ़ी 5-6 साल बड़े हैं, लेकिन हम एक ही तारीख को पैदा हुए हैं, जुलाई की 28 तारीख को। और बस अभी केक शेक काटते हैं तो आपको दिखाते हैं, और ये भी काटेंगे मेरे साथ। खर्चा बचाया है, एक ही दिन पैदा हुए हैं, बार बार साल गिरा नहीं मनाते होते हम, ठीक है ना। तो भाई इसीलिए हम दोनों एक ही दिन, मतलब कि एक ही तारीख पर पैदा हुए हैं, लेकिन वो हाँ 7-8 साल पड़े हैं और मैं अभी बहुत छोटा हूँ, ठीक है ना। लेकिन फिर भी बाबा जी खर्चा, जहाँ खर्चा बचेगा वहाँ पे मेरा नाम ज़रूर होगा। केक शेक काट लिया, खाना शाना खा के वेले हुए हैं, और मुझे एक ही गिफ्ट मिला है जो ये बटुआ है, और बटुए के अंदर मैंने चिल्लर रख ली है, ठीक है ना। 10-10 के नोट 4 रखे हैं मैं इसके अंदर। और यार एक जो मेरी सिस्टर हैं, मतलब कि उन्होंने कहा है कि तेरा गिफ्ट पेंडिंग है, मेरे पास एक्स बॉक्स आएगा, ठीक है ना, मेरा इंशाल्लाह महीने तक, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। तो आज के ब्लॉग का करता हूँ एंड, और मेरे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बर्थडे विश कर दो, क्योंकि सारे संगी होते हैं एक नंबर के, बस आपको मैं क्या बताऊँ। और इन्होंने किसी ने भी मुझे विश नहीं किया, तो इस व्लॉग का करता हूँ मैं एंड। और पसंद आए तो लाइक करना वीडियो को और सब्सक्राइब करना चैनल को। अल्लाह हाफिज़।